गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। ये हमारा सीरीज का चैप्टर फोर्थ है, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट वाला जो आपका चैप्टर है वो है आपका चैप्टर फोर्थ सिविक्स का। कल हमने डिस्कस किया गया था, आपका पहला जो टॉपिक डिस्कस किया गया था जेंडर एंड पॉलिटिक्स, वो हमने डिस्कस किया गया था जिस जेंडर के बेस पे जो वहाँ पे सोशल डिविजन ऑफ लेबर हुआ था आपका यहाँ पे जेंडर के बेस पे, जिसमें आपका प्राइवेट और पब्लिक को हमने डिस्कस किया गया था। आज हम डिस्कस करेंगे आपका यहाँ पे टॉपिक है वो है आपका डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जो वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेट होते हैं, जो वुमेन के साथ जो भेदभाव होते हैं वो कहाँ कहाँ किस एरिया में होते हैं उसको आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहला जो वुमेन्स औरतें जो है जो डिस्क्रिमिनेट होते हैं, जो भेदभाव किया जाते हैं, वो आपका यहाँ पे पहला जो पॉइंट है वो है आपका पैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रियार्कल सोसाइटी किसको कहा जाता है, जहाँ पे मेल ही क्या होते हैं आपका यहाँ पे ज्यादा डोमिनेट होते हैं, जहाँ पे आपका जो पिता होते हैं, जैसे जिसमें या दादा कहे या आपका पिता कहे, तो वो उसका सबसे बड़ा रोल होते हैं किसके अंदर, आपके घर के अंदर या सोसाइटी के बाहर जो भी डिसीजन मेकर होते हैं वो आपका ही पिता होते हैं, आपका ही फादर होते हैं। तो इसमें मैट्रिकल जो का वहाँ पे माँ का कोई बड़ा रोल नहीं होते हैं। तो ये हमारा सोसाइटी जो है एक्चुअली जो ये एग्जिस्ट किया जाता है, पैट्रियार्कल सोसाइटी एग्जिस्ट किया जाता है, जिसकी वजह से वुमेन्स यहाँ पे क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो उसकी वजह से वुमेन फेस इसका डिसएडवांटेज ज्यादा, उसका कोई ज्यादा ही डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलते हैं, ज्यादा औरतें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट देखने को मिलते हैं, उनके साथ ऑपरेशन उनके साथ ज्यादा ऑपरेस देखने को मिलते हैं, जो वहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटी होने की वजह से वहाँ पे औरतों को ज्यादा यहाँ पे फेस करना पड़ता है। सेकंड है आपका लिटरेरी रेट, तो ये भी एक क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है वुमेन्स के अंदर। तो लिटरेरी रेट मीन्स हम कहा जा लिटरेसी रेट मीन्स हम कहा जाते हैं आपका किसको कहा जाते हैं लिटरेसी, लिटरेसी मीन्स पढ़ा लिखा, जो इंडिया के अंदर जो पढ़ा लिखा होते हैं, पढ़ा लिखा हम किसको मानते हैं, लिटरेसी हम किसको मानते हैं, जो अपना नाम लिख सकते हैं उसको हम कहा जाते हैं लिटरेट कहा जाते हैं, उसको अनपढ़ नहीं कहा जाते, उसको हम पढ़ा लिखा कहा जाते हैं, उसको अपना नाम लिखना आना चाहिए ना, वो अंगूठा छाप होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहा जाएगा आपका लिटरेसी कहा जाएगा, तो लिटरेट कहा जाएगा। तो इंडिया में अगर हम यहाँ पे डाटा को कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे वुमेन के साथ क्या होते हैं, डिस्क्रिमिनेट होते हैं, जिसमें 54% अमंग वुमेन्स कंपेयर टू 76 अमंग मेन। तो औरतें जो है वो 54% जो औरतें हैं वो इंडिया के अंदर लिटरेट है, वो पढ़ा लिखा है, और जो अगर हम इसको कंपेयर किया जाए तो मेन्स है, तो मेन्स का कितना 76% है। तो एज कंपेयर टू वुमेन्स यहाँ पे औरतें जो है ज्यादा क्या है, अनएजुकेटेड है, वो अनपढ़ है यहाँ पे, ये इसलिए क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेट हो, कहीं ना कहीं जगह कहीं ना कहीं फील्ड पे ये हो रहा है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे औरतें जो है कम यहाँ पे लिटरेट है एज कम्पेयर टू किससे, मेन से। तो साथ साथ यहाँ पे लिटरेसी के साथ साथ यहाँ पे ड्रॉप आउट रेट है वो भी ज्यादा है किसका, औरतों का। ड्रॉप आउट रेट मीन्स यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके घर में एक भाई और एक बहन है, ठीक है, तो आप दोनों कहाँ स्टडी कर रहे हैं, बाहर स्टडी कर रहे हैं, या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आप स्टडी कर रहे हैं या बाहर जाके आप स्टडी करें, अगर आपके पेरेंट्स को कोई फाइनेंशियल यहाँ पे क्राइसिस होते हैं तो उसकी वजह से आप क्या किया जाते हैं, अपने बेटी का यहाँ पे जो पढ़ाई होते हैं उसको रोक देते हैं, जो बॉयज है उसको कंटिन्यू रहते हैं, उसको कहा जाता है आप ड्रॉप रेट, मीन्स औरतें जो है या गर्ल्स जो है मीन वहाँ पे वो लोग स्कूल छोड़ देना, तो उसको क्या कहा जाता है ड्रॉप रेट, वो भी सबसे ज्यादा है इंडिया के अंदर गर्ल्स का ज्यादा है एज कम्पेयर टू किस से, आपका बॉयज से। तो यहाँ पे भी हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसी फील्ड में यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट हो रहा है किसके साथ, वुमेन्स के साथ। तो थर्ड है आपका जॉब्स, वुमेन्स प्रोपोर्शन इज इन हाई पेड जॉब्स। तो यहाँ पे कंपेयर किया जाए तो वुमेन्स जो प्रोपोर्शन है उनका जो रेशियो अगर हम देखा जाए तो पेड जॉब में, हाई पेड जॉब मीन्स ज्यादा जहाँ पे पैसा उनको पेड किया जाता है ये काम करने के लिए, उनमें जैसे कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव में भी हम ये कह सकते हैं, या होटल मैनेजमेंट में हम दे सकते हैं कह सकते हैं,
या एयरफोर्स में कह सकते हैं, जहां पे औरतें कम जॉब किया जाते हैं इस कंपेयर टू किस से मेंस से। तो ये भी एक क्या है, डिस्क्रिमिनेट है किसके साथ, वुमेन्स के साथ, जो हमारे सोसाइटी के अंदर देखने को मिलता है। तो ये थर्ड जो आपका क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है जो औरतों के साथ होता है बड़े बड़े जॉब्स के साथ, जिसमें ज्यादा औरतें नहीं देखने को नहीं मिलते इस कंपेयर टू किस से, मेन से। फोर है आपका रिन्यूमिनरेशन और सैलरी। रिन्यूमिनरेशन कहा जाता है आपका सैलरी को ही कहा जाता है, जो वेजिस जो काम करने करने के लिए आप जो काम आप किया जाते हैं उसका पैसा मिलते हैं, जिसको आपको क्रेडिट मिलते हैं, जो आप जो मेहनत आप करते हैं उसका जो पैसा मिलते हैं उसको कहा जाता है आपका रिन्यूमिनरेशन कहा जाता है या सैलरी कहा जाते हैं। तो वो इक्वल रिन्यूमिनरेशन एक जो यहाँ पे लेके आया था 1976, ताकि यहाँ पे वुमेन्स और मेन्स को, तो औरतें और जो यहाँ पे मेल और फीमेल है दोनों को यहाँ पे सेम सैलरी मिलना चाहिए जो सेम वर्क करते हैं। तो उसके लिए एक पास किया गया था 1976। अगर क्लास 9 में हमने पहले पढ़ किया था आपका हिस्ट्री में, जब आपका रशियन रेवोल्यूशन हुआ था वहाँ पे औरतें इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते थे, मगर उनको जो वेजेस मिलता था वो कम मिलता था एज कम्पेयर टू किस से, मेन्स से। तो वहाँ पे जो मेल काम कर रहा था उनसे कम मिलते थे औरतों को। तो ये भी एक क्या है, ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है किसके साथ, औरतों के साथ। 1976 में एक पास किया गया था ताकि यहाँ पे इक्वल रिन्यूमिनेशन, यहाँ पे इक्वल जो सैलरी जो है औरतें और मेन दोनों को सेम दे सके, इसके लिए एक पास किया गया था। बिसाइड दिस एक्ट, इस एक्ट को होते हुए भी यहाँ पे क्या होते हैं, वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेट होते हैं, बट वुमेन और पेड लेस देन मेन। आज के डेट में हम देखा जाए तो इंडिया के अंदर, पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो आज के डेट में भी यहाँ पे क्या होते हैं, डिस्क्रिमिनेट होते हैं वेजिस को लेके, रिम्यूनरेशन को लेके, यहाँ पे भी आज के डेट में भी यहाँ पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेट होते हैं, उनको कम पैसा दिया जाता है एज कम्पेयर टू किससे, मेन से। इसके बाद फीमेल फर्टिसाइड, तो यहाँ पे फर्टिसाइड कहा जाते हैं किसको कहा जाते हैं, बिफोर बर्थ, यानी पैदा होने से, बच्चे पैदा होने से पहले इसको क्या करना, अपनी माँ के पेट में ही खत्म करना, उसको कहा जाता है हम फ्यूटस कहा जाते हैं, मीन्स फ्यूटस को खत्म करना, तो उसको कहा जाता है फीमेल फर्टिसाइड कहा जाते हैं। तो वो क्यों किया जाता है, वो फीमेल फर्टिसाइड क्यों किया जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स प्रेफर टू हैव अ सन। तो पेरेंट्स जो होते हैं वो आपका यहाँ पे सन को यहाँ पे प्रेफर किया जाता है इस कंपेयर टू किस से, डॉटर से, गर्ल से। तो इसलिए वो क्या किया जाता है, यहाँ पे फर्टिसाइड किया जाते हैं। ये भी एक डिस्क्रिमिनेट है किसके साथ, वुमेन्स के साथ, जहाँ पे गर्ल्स चाइल्ड को क्या किया जाता है, अबॉर्टेड किया जाता है। अबॉर्टेड मीन्स बच्चा पैदा होने से पहले इसको चेक किया जाते हैं, या ये बॉय से या गर्ल से, अगर ये बॉयस है तो इसको ख़त्म नहीं किया जाते हैं, मगर जो गर्ल्स है तो इसको क्या किया जाता है, एबॉर्टिक किया जाता है, इसको ख़त्म किया जाते हैं बिफोर डिलीवरी, यानी पैदा होने से पहले इसको ख़त्म किया जाता है। ये एक बड़ा क्राइम है, अगर हम ये देखा जाए तो आज के डेट में इंडिया में भी सबसे ज़्यादा होते हैं। मेडिकली यहाँ पे एक बड़ा क्या चल रहा है, माफिया चलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इंडिया में भी आज के डेट में ज़्यादा होता है, तो इसलिए तो यहाँ पे होता है, इसलिए तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके साथ ये ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट होता है। मगर पहले सबसे ज़्यादा यहाँ पे आम होता था, मगर आज के डेट में कुछ एक्ट बनाया गया है इसको कम करने के लिए, उसकी वजह से ये क्या होते हैं, आपका खुफिया होते हैं, ये अंडरग्राउंड होते हैं, ये आम चीज़ होते हैं जो डॉक्टर्स हमारे किसके साथ किया जाते हैं, यहाँ पे वुमेन्स के साथ किया जाते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन, मींस यहाँ पे सेक्स को देके, मेल और फीमेल को देके यहाँ पे एबॉर्शन किया जाते हैं, किसका, बच्चे का या फीमेल का। तो ये सबसे गलत बात भी है, एक बड़ा क्राइम भी है, ये भी एक बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है किसके साथ, औरतों के साथ, जो हमारे सोसाइटी के अंदर आज के डेट में भी ज़्यादा होते हैं। हम इतना एजुकेटेड हुआ है, एजुकेटेड होने के बावजूद भी यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या, जो फीमेल फर्टिसाइड जो है देखने को मिलता है। तो उसका सबसे ज़्यादा जो आपका फीमेल फर्टिसाइड होते हैं या चाइल्ड यहाँ पे एबॉर्टेड, गर्ल्स चाइल्ड एबॉर्टेड किया जाता है, उसका सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपका सेक्स रेशियो है। सेक्स रेशियो मींस जो फीमेल पर जो 1000 जो पैदा होते हैं आपका साल में, तो 1000 में से आपका कितना गर्ल्स पैदा होते हैं उसको हम सेक्स रेशियो कहा जाते हैं। मींस 1000 मेल अगर पैदा हुआ होता है तो उसमें से कितना फीमेल पैदा होते हैं तो उसको कहा जाता है आपका सेक्स रेशियो। तो वो हम देखा जाए तो इंडिया में कितना है, 9
टिल जो अभी नाउ जो डाटा है वो है आपका 919, 919, 919 है। तो 919 यहाँ पे क्या होते हैं, गर्ल्स पैदा होते हैं, गर्ल्स पैदा होते हैं 919 गर्ल्स पैदा होते हैं एज कम्पेयर टू 1000। अगर बच्चे पैदा होगा तो साल में 1000 बच्चे पैदा होगा तो उसमें से 919 क्या होते हैं आपका फीमेल होते हैं, और आपका यहाँ पे फीमेल जो मेल होते हैं वो कितने में से 1000 में से 919 के रेशियो आपका यहाँ पे क्या होते हैं। अगर 1000 मेल जो पैदा होते तो साल में, अगर 1000 मेल यहाँ पे पैदा होते तो साल में अगर हम गर्ल्स की बात करें तो यहाँ पे ओनली कितना पैदा होता है आपका 919। तो उसके हिसाब से हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से अगर ये 1000 में से हमने देखा है, अगर हमें हमारा जो पॉपुलेशन है 130 करोड़ है वहां से निकालेगा तो ये बहुत ज्यादा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो फीमेल होगा जो आपका गर्ल्स होगा उनका पॉपुलेशन ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इस कंपेयर टू किल से मेल से। तो वो बैलेंस होना क्या है आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं, उसको बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो सोसाइटी में क्या होगा आपका इश्यू या प्रॉब्लम पैदा होगा। तो ये भी एक बड़ा क्या था आपका यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है किसके साथ, औरतों के साथ। लास्ट जो सिक्स जो आपका यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट औरतों के साथ होते हैं वो एक आपका हरेसमेंट है, एक्सप्लॉटेशन है, डोमेस्टिक वायलेंस है, जो आम चीज जो आज के डेट में भी हम देखने को मिलते हैं, न्यूज में आते हैं, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा होते हैं ये देखने को मिलते हैं औरतों के साथ। तो ये भी एक बड़ा क्या है डिस्क्रिमिनेशन है किसके साथ, औरतों के साथ। तो ये एक बड़ा गलत जो हमारा यहाँ सोसाइटी के अंदर हमारा एक गलत कंसेप्ट है औरतों को, या उनका काम जो है नीचा दिखाना, उसका वैल्यू कम करना, तो ये गलत बात है। और ये डिस्क्रिमिनेट इन फील्ड में ज्यादा होते हैं जो आज हमने डिस्कस किया है। तो कल हम डिस्कस करेंगे वुमेन्स का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है इंडिया के अंदर, कितना वुमेन्स जो यहाँ पे इलेक्ट होके आते हैं पॉलिटिक्स में, तो उसको हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।